जय भीम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भोपरा बॉर्डर पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ये स्टेटमेंट दी थी कि जितने लोग दिल्ली से जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना के डर से जा रहे हैं, चाहे उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों की ड्यूटी लगाई थी कि वो क्षेत्रीय विधायक जो जाकर के लोगों की समस्या को सुने कि वो दिल्ली से क्यों जा रहे हैं। हमारे साथ हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार, जो गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। ये भोपरा बॉर्डर है, बहुत सारे साथी हमारे पीछे खड़े जिनको आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से अपने घर कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जो जहाँ का मूल निवासी वहाँ जा रहा है। विधायक जी, आपकी ड्यूटी माने मुख्यमंत्री जी ने लगाई है, क्या संदेश लेकर के आप माने विधायक मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुँचा? इनकी परेशानी पूछने के लिए पहुँचा हूँ कि क्या कारण है, क्यों ये जा रहे हैं। इन्होंने कहा मैं भूख का कोई कारण नहीं है, हमें इस वजीराबाद रोड पर भी कई लोगों ने हमें केले दिए हैं, खाने का पैकेट भी दिया है, सरकार ने अलग तरह से इनको खाना खिलाने का काम किया है। आज तमाम एक और सेंटर खुला, अभी लोनी रोड पर एक सेंटर खोलने के बोर्ड पर खोलने काम किया जिससे लोग भूखे ना रहें। और सरकार ने प्रत्येक सेंटर पर 500 पैकेट 500 आदमी का खाना देने का काम किया, लेकिन लोगों को दिया जो लोग बेघर हैं, जो निश्चित तौर से किराए पर रहते हैं, या कोई विकलांग है या विधवा है, जिनके लोग जो डेली का रोज़ा खाना। आपको नहीं लगता जो काम 3 दिन पहले कर देना चाहिए था, सरकार ने देरी से कदम उठाए? नहीं, सरकार ने परसों से लागू किया इस काम को, कल भी पैकेट आए हैं, परसों भी पैकेट खाना बंटने का काम किया, लेकिन उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाने का काम, उसके बाद भी लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है। निश्चित तौर से अभी मेरे सामने भाई खड़े, इन्होंने कहा अभी कि मैं भूख के कारण से नहीं जा रहा, मैं कोरोना के डर से नहीं जा रहा। इन्होंने कहा मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा तू वहाँ क्या करेगा, अब तो 20 दिन 21 दिन तो मजदूरी नहीं करेगा, इसे तो बेटा मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बीच में रहो, हमारे पास रहे, ये अपने माँ बाप से मिलने जा रहा। इसके लिए कोरोना का डर है, इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। उन्होंने आज 1000 गाड़ियों की व्यवस्था की है, तो लोग शायद ज़्यादा आज दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जिनको अपने घर जब 15-20 दिन काम नहीं होगा, तो लोग अपने माँ बाप अपने घर जाएंगे, मिलने जाएंगे, उनसे मिलने दुख सुख पूछने के लिए जाएंगे। तो जब रोजी रोटी इनके 21 दिन के लिए नहीं है, तो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भूखे के कारण ना जाए, यदि अपने बाप से माँ बाप से मिलना जाना तो जाइए, उसके लिए सरकार प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकार पर उन लोगों के लिए प्रतिबंध है जो व्यक्ति भूखा हो, जो रोजाना कमाता खाने वाला व्यक्ति हो, जो हमारा किराएदार है या विधवा है या विकलांग है, उन सभी को सुविधा सरकार देने का। यदि उनको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनको खाना दिलाएंगे, उनको रहने के लिए। आपका और मुख्यमंत्री का कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी जो दिल्ली से पलायन कर रहा है, वो भूख के कारण नहीं कर रहा है, उसके माँ बाप और उसका परिवार उसको बुला रहा है, वो इसलिए कर रहा है, इसलिए जा रहा है। इसलिए हमने इनको कहा, इन्होंने मुझसे अभी बताया भी, बात करिए आप इनसे, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछूंगा, बताएंगे क्या कारण है, कारण तो ये बताएंगे। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात करी, उन्होंने कहा हमारा भूख का कोई कारण नहीं। और आप भी देखना कि रोड पे कितने लोगों के यहाँ पर पॉइंट लगे हैं, कोई केला बांट रहा है, कोई खाने का पैकेट दे रहा है, कोई पानी का पोच दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। तो दोस्तों, ये थे क्षेत्र विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार, जिनका ये कहना है कि लोग जो है वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, भूख से पलायन नहीं कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली छोड़ करके जा रहे हैं, क्या कारण रहा आपका दिल्ली छोड़ करके जाने? सर, हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ, लॉकडाउन तो आपको पता ही 21 दिन का लगा हुआ है, वहाँ बच्चे भी परेशान है सब, ठीक है। और दूसरी बात, सरकार ने यूपी बसें भी खोली है जाने, मतलब आप इसलिए जा रहे हैं कि आपका जाने का साधन बन गया। अगर यूपी गवर्नमेंट आपके लिए बसें की सुविधा नहीं करती तो क्या करते, रहते या जाते? तो सर, अगर काम जब जाना तो पड़ता है, जब काम नहीं होता यहाँ तो। दिल्ली गवर्नमेंट से कितने खुश है भाई? खाने पीने की तो खैर समस्या नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट से खुश है। आप कहाँ से आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बदायूं जा रहे हैं, बदायूं जा रहे हैं। कहाँ, क्या काम करते थे यहाँ? सिलाई का काम करते थे। इसलिए जा रहे हैं कि दिल्ली को यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, या इसलिए जा रहे हैं कि आपके परिवार ने आपको बुलाया? परिवार ने बुलाया है। दिल्ली गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं? दिल्ली गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं। तो देख सकते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है कि
तीन चार पाँच दिन से 22 तारीख से लेकर के अभी तक वो अपने अपने निवास स्थान पर थे, लेकिन जैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने उनके लिए जाने की सुविधा मुहैया कराई, बसों की सुविधा करी, तो उनके परिवार गांव में रहते हैं, उनकी माँ उनके बाप, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, आपकी सुविधाएँ हुई हैं। तो ये लोग, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी आदमी भूख के कारण दिल्ली से पलायन नहीं कर रहा है। उन्होंने केजरीवाल की सारी सुविधाओं को, क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने जैसा आपको बताया, उन्होंने प्रॉपर रूप से सारी बातें आपको बताई। कोई भी आदमी दिल्ली से भूख के कारण पलायन नहीं कर रहा है। मैं राहुल नागपाल अपने सहयोगी चमन लाल के साथ भोपरा बॉर्डर दिल्ली, राहुल लाए 85।